बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए हैं, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मेरी हर वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक हर सूरत देखिएगा। दोस्तों, आज अल्लाह करीम का एक अतिया जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो हमारे किचन की जीनत है, हर वक्त मौजूद रहता है और हमारे मिसालों का अहम जुज़ है। उसके बगैर हमारे मिसालें, खाने और जायका नामुकम्मल। दोस्तों, खुश्क धनिया। खुश्क धनिया दोस्तों दिमाग को ताकतवर बनाता है, दिल को मजबूत करता है, मेदे को एक्टिव करता है और उसको ज़्यादा तवाना बनाता है। खुश्क खांसी और सीने के दर्द को ठीक करता है। बलगम को ख़त्म करने में और उसको निकालने में दोस्तों खुश्क धनिए का अहम किरदार होता है। अगर मसूड़े सूज जाएँ और दांतों से खून आना शुरू हो जाए तो खुश्क धनिया को पानी में उबाल के नीम गर्म होने पे उसके गरारे करने से मसूड़ों की सूजन ख़त्म हो जाती है और दांतों से खून आना भी बंद हो जाता है। खुश्क धनिया पेचस रोकने में भी बहुत मददगार है, मुंह की बदबू और सांस की बू को भी ख़त्म करता है, औरतों में माहवारी के डिसऑर्डर को दुरुस्त करता है, चेहरे के कील मुहासे ठीक करने में भी बहुत मददगार है। खुश्क धनिए का दोस्तों असर क्योंकि ठंडा होता है, लिहाजा ये जिगर और मसाने की गर्मी को ख़त्म करता है। दिल के अंदर चर्बी के जो ज़र्रात बन जाते हैं उनको पिघलाता है और बाहर निकालता है। दोस्तों, मोटापा ख़त्म करने में और चर्बी को पिघलाने में भी धनिया बहुत मुफीद है। मोटापे का शिकार अफराद को हर सूरत खुश्क धनिए का इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार की शिद्दत को कम करता है, मेदे की तेजाबियत और खट्टी डकारों को रोकता है और दोस्तों हमारे खानों को खुशबूदार और जायकेदार बनाता है। खुश्क धनिया से भी दोस्तों लुत्फ़ानंदोज़ भी हों और फ़ायदे भी हासिल करें। अगली किसी वीडियो में जल्द होती है आपसे मुलाकात। फ़ी अमानिल्लाह।